विरोधी नसीरुद्दीन शाह को मुकेश खन्ना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। मुकेश खन्ना ने नसीरुद्दीन शाह को दे डाली तगड़ी नसीहत। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह हमेशा ही अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। मोदी विरोधी नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, आजकल मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन गया है और लोगों के अंदर नफरत भरती जा रही। बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों का नाम लिए बिना मोदी सरकार पर निशाना साधा था। मोदी पर कटाक्ष करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि आजकल पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में बड़ी चालाकी के साथ मुसलमानों के प्रति नफरत भरी जा रही। अब नसीरुद्दीन शाह का ये बयान बॉलीवुड एक्टर मुकेश खन्ना को रास नहीं आया। उन्होंने नसीरुद्दीन के बयान पर पलटवार किया, साथ ही उन्हें नसीहत दे डाली। मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नसीरुद्दीन को करारा जवाब देते हुए लिखा, एक बेहतरीन एक्टर इतनी घटिया और बचकानी बात कह सकता है, ये मुझे नसीरुद्दीन शाह को देखकर पता चला। कहते हैं हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं। साक्षी, श्रद्धा, अंकिता कांड, कानपुर हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ के अलावा दिन दहाड़े एक दर्जी की गर्दन काटने की विभत्स घटना के बाद भी आप कहने का दुस्साहस रखते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं। अरे कोई सुरक्षित नहीं है तो वो 100 करोड़ हिंदू ही है। आप कट्टर बन चुके हैं जो एक एक्टर को शोभा नहीं देता। ऐसा है तो शामिल हो जाइए लव जिहाद की टीम को प्रमोट करने वाली गैंग में। विचार आपने करना है, वरना लोगों ने आपकी फिल्में देखना बंद कर देना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तो देखा आपने, नसीरुद्दीन शाह को मुकेश खन्ना ने करारा जवाब दे दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए क्या कहा था। ये परेशान करने वाला वक्त है, मुस्लिमों से नफरत करना इन दिनों फैशन बन गया है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों के बीच भी ये फैशन है। ये चिंताजनक है कि कुछ फिल्मों और शो को दुष्प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने इसका चालाकी से इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग भी ऐसी चीजों पर कुछ भी नहीं बोलता। देश में राजनीतिक पार्टियां चुनावों के लिए धर्म का खुलकर इस्तेमाल करती हैं। चुनाव आयोग हमेशा इन चीजों पर मुंह बना रहता है। अगर कोई मुस्लिम लीडर अल्लाह अकबर का नाम लेकर वोट मांगता तो अब तक बवाल खड़ा हो गया होता। नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा था, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं और इस तरह बजरंगबली की जय बोलकर की बातें कहते हैं और फिर भी वो हार जाते हैं। पीएम मोदी भी इन चीजों का काफी इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया और हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि धर्म का इस्तेमाल होना चुनावों में जल्द ही खत्म हो जाएगा। मेरा मतलब है कि हमारा चुनाव आयोग कितना रीढ़ विहीन है, जो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से समय अपने चरम पर। ये सरकार द्वारा खेला गया एक बहुत ही चतुर कार्ड है और इसने काम किया है। देखते हैं कि ये कब तक काम करना जारी रखता है। बता दें कि नसीरुद्दीन शाह कई बार पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं। इतना ही नहीं, वो हमेशा ही अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। आए दिन वो मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बौखलाहट जाहिर करते ही रहते हैं। बात करें नसीरुद्दीन शाह के वर्क फ्रंट की, तो हाल ही में वो ताज, डिवाइडेड बाय ब्लड और सास बहू और फ्लेमिंगो नाम की सीरीज में दिखाई दिए थे। वैसे जिस तरह से मुकेश खन्ना ने मोदी विरोधी नसीरुद्दीन शाह को लताड़ लगाई, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।